असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांदरदेवा क्वारंटाइन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं से लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ का क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें उपयुक्त भोजन नहीं दिया जा रहा है और न ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। छात्रों के आरोप के अनुसार उनके खाने में कीड़े भी मिलने लगे हैं। बांदरदेवा में क्वारंटाइन होने वाला लोग यही हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर देखा गया कि जोनल क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है ना। हम लोग कल गुवाहाटी से 4 बसेस में हम लोग स्टूडेंट्स और कंसर्न वहाँ के इंसान लोग आए यहाँ पे, तो देखा गया कि पूरा यहाँ पर मिक्सअप होकर सब लोग बैठा हुआ है। रेड जोन से आया हुआ भी, ग्रीन जोन से आया भी, हम लोग पूरा सब यहाँ पर मिक्सअप होकर बैठ रहे हैं। एक ही बाथरूम को हम लोग शेयर कर रहे हैं, एक ही टंकी से पानी हम लोग बकेट मग घुसा के वहाँ से पानी निकाल के यूज कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को ना। ये तो कोई मीनिंग ही नहीं रही है। हम लोग ग्रीन जोन से आए कि रेड जोन से आए, हम लोग सब एक ही साथ यूज करके लग रहा है कि बीमार नहीं होने वाला भी यहाँ कि हम बीमार हो जाएगा। जो बहुत दिन से यहाँ पे क्वारंटाइन होके बैठा हुआ है, जो 9-10 दिन हो गया, उन लोग भी हम लोग एक ही बसार बाथरूम यूज करें। उन लोग को तो शायद टेस्ट भी कर लिया गया होगा, तो अभी 1-2 दिन के अंदर अगर टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो हम लोग, और जो रेड जोन से परसों, रेड जोन से भी परसों ही लोग आए, तो आके हम लोग मिक्सअप हो जाएगा। तो उन लोग बाहर निकल जाने से भी उन लोग अभी ये सिम्टोमेटिक होगा, लेकिन बाहर आके भी उन लोग सिम्टम शो करके उन लोग फैला सकते हैं बीमार को। वही हम लोग के साथ भी होगा। हम लोग यहाँ बीमार नहीं होके भी आए, लेकिन आके यहाँ बीमार हो जाएगा लग रहा है। और सेकंड बात है कि जो पानी यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एक बड़ा सा टंकी, खुला टंकी है, उससे हम लोग मग में घुसा के पानी यूज कर रहे हैं। वो भी इतना गंदा है, वहाँ पे मेंढक तैर रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा पूरा दूध के, और उसी पानी से हम लोग को ब्रश तक करना पड़ रहा है। उसके बाद कल आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक से नहीं है। उसके बाद जो गर्म पानी भी हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया। कल बारिश था, बहुत सारे लोगों का अभी गला खराब हो गया, लेकिन गर्म पानी भी हम लोग को ठीक से प्रोवाइड नहीं किया गया। हेलो, छात्रों के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सीएम ने भी विजिट किया है, लेकिन अभी तक लेटेस्ट इनपुट कल रात तक भी काफी खराब था। कीड़ा भी मिल रहा था खाना में और टॉयलेट फैसिलिटी ठीक नहीं था अभी तक। तो क्या कहना चाहेगा सर आप? उसको तो मैनेजमेंट तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो हम लोग हेल्थ सेक्टर को एंगल को देख के हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं में तो लूप सॉल्व भी हुआ होगा, उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है जो भी हो अच्छा से हम लोग हेल्थ केयर करके काम करना है। और वहीं बांदरदेवा के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे इन छात्रों के आरोपों के बाद सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपानुसार सेंटर में स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है हमारी संवाददाता इंदु चुकू ईटानगर से। जी इंदु, जानना चाहेंगे क्या संबंधित विभाग की तरफ से अब इस पर प्रतिक्रिया जताई गई है? जी बिल्कुल दुलुमनी, काफी दुखद वाली बात है, क्योंकि जब से क्वारंटाइन सेंटर कुछ एक हफ्ते आगे खुला है तो स्टूडेंट्स जैसे आए, बाहर से लोग आने लगे, तो इसका उस दिन से ही काफी ये हुआ। इवन सोशल मीडिया में भी काफी लोग कंप्लेन किया और लिखा भी, और उसको ही देख के, क्योंकि टॉयलेट का जो फैसिलिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटी और उनका जो खाना पीना है, हर चीज ठीक नहीं है, ठीक ढंग से नहीं है। हालांकि ये भी हमें रिपोर्ट मिला कि जो स्वैब सैंपल थे, क्योंकि एज पर द गाइडलाइंस सभी को मैंडेटरी है कि मतलब कोई ऑफिशियल एसओपी तो नहीं है कि जिनका एसिम्प्टोमेटिक है इनको स्वैब सैंपल्स नहीं लेने के लिए, लेकिन ऐसे अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ऑफिशियल्स ने ये डायरेक्शन दिया था कि सबका मैंडेटरी स्वैब सैंपल्स लेना है, लेकिन रिपोर्ट अभी हमें ये मिल रहे कि स्वैब सैंपल्स भी नहीं ले रहे, तो काफी बहुत डिटेरियरेट कंडीशन में है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आ रहे। तो इसी को लेके लास्ट वीक संडे को सीएम पेमा खांडू और चीफ सेक्रेटरी भी विजिट किया, और उसके बाद परसों ही 8 तारीख को हमारे स्टेट के जो होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स ने भी विजिट किया, और स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी ये इश्यू को देखा और जाना। लेकिन जितने भी जो मिनिस्टर्स आए विजिट के, एमएलएस विजिट के क्वारंटाइन सेंटर में, क्योंकि काफी ये वायरल हो चुका था लोगों का, लेकिन फिर भी अभी तक ग्राउंड में, अभी तक मैं बता दूं कि अभी तक कल रात तक जो खाना मिल रहे थे वहां पे, वो काफी बहुत खराब कंडीशन का था, और उसमें कीड़े मिल रहे थे, इंसेक्ट्स मिल रहे थे।
तो इवन फैसिलिटी जो सैनिटेशन का है, क्योंकि उसमें सीएम का ये अपील रहा था कि ये एश्योरेंस दिया गया था कि 2-3 दिन में ही जल्दी ही इसको एक्सपेडाइट करेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन सीएम का विजिट 1 सप्ताह हो चुका है। लास्ट संडे को ही विजिट किया, तो आज सैटरडे है, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह होने वाला है, लेकिन अभी तक सेम कंडीशन है। हालांकि कुछ जो ट्रांसफरेबल जो टॉयलेट्स होते हैं, क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटी काफी कम था वहाँ पे, लिमिटेड था, तो इसलिए एक्सपेडाइट किया है, वहाँ पे बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी कंडीशन अभी भी सेम है। और होम मिनिस्टर दमंग फेलिक्स का ये भी कहना है कि क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे जो झुंड में आ गए थे, तो जितने जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, क्योंकि वो मेन पीक पॉइंट है बंदरदेवा चेक गेट, तो बंदरदेवा का पास जो पीटीसी उसी में ही क्वारंटाइन किया गया, तो उसमें लिमिटेड हो गया, तो इसलिए ये सब इश्यू आया। लेकिन गौर करने वाली बात ये है दुलुमुनी की, ऑलरेडी स्ट्रेटेजी में हमें थोड़ा गड़बड़ी लगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट को पता था कि बच्चे आने वाले हैं बहुत तादाद जी, जी, उसके बावजूद व्यवस्थाएं बिल्कुल उपयुक्त नहीं रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंदु हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।